हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोना ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है सावन, तो आज 10 जुलाई है, तो आज सावन है। पहला तो मैं फास्ट रख रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मंदिर। बाकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है मंदिर जाने के लिए, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मंदिर जाने के बाद कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और मैं क्या क्या सामान लेके जा रही हूँ, मैं सारा आपको दिखाऊंगी। और मैं आज कैसी लग रही हूँ वो मुझे कमेंट करके बताना आप। और गाइज, मैं यहाँ पर फ़ोन में देख के मैं खुद को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर गाइज, मैं उसके बाद मंदिर आ गई हूँ। गाइज, मैं यहाँ पर मंदिर आ गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी पूजा पाठ शुरू कर दिया था करना। और देख सकते हो आप, सबसे पहले मैंने इसमें जल चढ़ाया। मैं काफ़ी सामग्री जो चढ़ाई जाती है, जो भोलेनाथ बाबा को, वो मैं सारी सामग्री लेकर आई थी, वो मैं सारी चढ़ाऊंगी। तो वो आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आपको कि मैंने क्या क्या चढ़ाया है। और यहाँ पर मैंने पहले फूल उल्टा रख दिया था भोलेनाथ बाबा को, फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे नहीं रखना है, तो मैंने फिर ऐसे करके घुमा दिया फूल को। उसके बाद मैंने दीपक जलाया था, उसके बाद मैंने आरती करी थी, और ऐसे ही मैंने चंदन का तिलक लगाया था, क्योंकि बोला जाता है कि रोली का तिलक नहीं लगाते हैं, चंदन का तिलक ही लगाते हैं भोलेनाथ बाबा को। तो मैंने चंदन का तिलक लगाया था, और ऐसे ही मैंने पूजा अपनी संपन्न करी, पूरी करी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर भोलेनाथ बाबा को और पार्वती मैया को कलावा बांध दी थी दोनों को, तो मैं तोड़ रही थी, तो वो टूट नहीं रहा था, तो थोड़ा सा तोड़ना पड़ा था उसको तोड़ने के लिए, तो ऐसे मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आरती भी करी थी, और फिर मैंने दूध दही शक्कर ये सारी चीज़ें, फिर हम यहाँ पर करेंगे आरती। तो चलो आरती शुरू करते हैं, और आप लोग भी आरती सुनो। ओंकाराय कानन चतुराणि पञ्चानन राजे भोले पञ्चानन राजे हंसासन गरुडासन वृषवाहन सारे ओम जय श्री ओंकारा दो भुज चतुर्भुज दस भुज अति सोए भोले। और गाइस, मैं यहाँ पर पूजा करके आ गई हूँ मंदिर की, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मंदिर की पूजा करके, भोलेनाथ बाबा की पूजा करके। और आज मैंने फास्ट रखा है, एंड आप सभी को मेरी तरफ से फर्स्ट सावन का हैप्पी सावन। आई होप आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए सावन, और मेरा भी अच्छे जाए सावन के फास्ट। और इस बार ये बोला गया है कि 57 डेज हैं, तो ये बोलते हैं कि पूरे 8 जितने भी, मतलब मंडे आए हैं, जितने भी सोमवार आए हैं, वो सारे रखने हैं। जैसे 8 सोमवार है, तो 8 और रखने हैं। गाइज, आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने फास्ट रखने हैं इस बार। और मम्मी ने तो यही बोला है कि पूरे 8 फास्ट रखने हैं, जब रख रही हो तो पूरे रखो, जब पूरे हैं तो। तो मैंने घर आके भी पूजा कर ली थी, मंदिर में भी पूजा कर ली थी, और फिर मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी मंदिर का, बट मैंने जितना भी दिखाया, जितनी भी मैं सामग्री लेके गई हूँ मंदिर के लिए, वो मैंने आपको सब दिखाई है। एंड क्या बोल रही हूँ, और गाइस, अब मेरा फास्ट है, तो मैं सिर्फ चाय ही पीऊँगी, बाकी देखते हो कुछ और होता है जो फास्ट का खाने के लिए, तो मैं वही चीज़ खाऊँगी। गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे अब थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय करो। उसके बाद गाइस, मेरा यहाँ पर नाश्ता शुरू हो गया था, मैंने चाय और मखाने खाए थे, और उसके बाद मैं मखाने आपको दिखा रही थी, और मेरे को पसंद है बिना भुने हुए ही मखाने, मैं भुने हुए मखाने बहुत कम खाती हूँ। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।